के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्निकल चीजों की। अगर बात करें फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो के अंदर, मैं पर्टिकुलर आपको सिखाने वाला हूं डेटा हाइडिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हम एज अ स्टूडेंट बात करी जाए, एज एन एम्प्लॉय बात करी जाए, एज अ सिंपल नॉर्मल कंप्यूटर यूजर बात करी जाए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आज की 21st सेंचुरी में हम लोग फेस कर रहे हैं या करते हैं ज्यादातर चीजों को लेकर, वो है हमारा डेटा। तो फ्रेंड्स अगर बात करी जाए कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं और जो हमारा डेटा है, अगर हमें उसे आउटर वर्ल्ड से हिडन रखना हो या छुपाना हो, प्लस डेटा की सेंडिंग अगर करनी हो किसी भी हिडन फॉर्म के अंदर, तो वो किस तरीके से पॉसिबल है, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा मेरे आज के इस वीडियो के अंदर। मैं आपको ये सारी चीजों के और इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देने वाला हूं। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने मेरे इस डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल्स मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही जो सबसे पहली हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है, दिस इज अ काइंड ऑफ इमेज जो कि अपने JPG फॉर्मेट के अंदर है। मैं आपको पहले ओपन करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं व्हाट इज ट्रू फ्रेंडशिप। ये हमारे एक वीडियो का पर्टिकुलर थंबनेल है जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया था। एंड अगर मैं इसका एक्सटेंशन और साइज की बात करूं तो हम इसका प्रॉपर्टी सेक्शन चेक करते हैं, आपके सामने ये मौजूद है। द नेम ऑफ द पर्टिकुलर फाइल इज फ्रेंडशिप एंड इट इज द टाइप ऑफ द फाइल इज JPG, दैट इज जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप फाइल। साइज इसका कुछ 126 KB या 128 KB, नियरली 128 KB के अराउंड ही ये हमारे डिस्क पर स्टोरेज लोकेशन को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल की। ये तो हो गई एक पिक, ठीक है। ये कुछ हमारे चार डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि अलग अलग एक्सटेंशन वाले हैं और अलग अलग कैटेगरी वाले हैं। मैं आपको चारों के बारे में बता दूं। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये है हमारा एक तरीके का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का डॉक्यूमेंट जिसमें आपका कोई भी डेटा सेक्शन या किसी भी तरीके की फाइल और डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं ये कितने पेजेस का है, इसका साइज क्या चीज है। साइज यहाँ पे मेंशन है फ्रेंड्स आपके सामने 655 KB, और ये एक तरीके का मान लीजिए मेरा CV है जो कि मैं यहाँ पर मैंने 2 पेज या 3 पेज के अराउंड डेटा को मैंने पर सेव किया हुआ है। क्लियर? अगर साइज की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट का साइज है हमारा 655 KB ऑक्यूपाई कर रहा है हमारे पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर। तो बात करते हैं हमारे सेकंड डॉक्यूमेंट की, विच इज अ काइंड ऑफ पर्टिकुलरली, ये हमारा है एक तरीके का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट या PPT जिसके अंदर कुछ आप देख सकते हैं 34 स्लाइड्स के अराउंड यहाँ पर मौजूद है। और ये अपने आप में काफी हैवी डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट होता है, बिकॉज जब भी हम स्लाइड्स बनाते हैं तो कहा जाता है उसमें काफी ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता है। वर्ड के कंपैरिजन में साइज जरूर कम है, लेकिन हाँ ये भी अपने आप में 480 केबीस के अराउंड हमारे सिस्टम पे ऑक्यूपाई कर रहा है। तीसरे डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करके चलते हैं, तीसरा एक तरीके का एक लाइसेंस डॉक्यूमेंट है जो कि एक जनरल नोटपैड में बनाया हुआ हमारा डॉक्यूमेंट है जो कि कितना बड़ा भी फाइल हो सकती है। लेकिन अगर इसके साइज की हम बात करके चलते हैं प्रॉपर्टीज में, आप देख सकते हैं इसका साइज है ओनली नियरली 20 KB या 17.5 KB के अराउंड। क्लियर फ्रेंड्स? और हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, या हम कह सकते हैं इसको, ये हमारी एक तरीके की क्या है, मीडिया फाइल है। किस तरीके की मीडिया फाइल, जिसको हम प्ले कर सकते हैं एक तरीके का कोई एक सॉन्ग या VLC की मीडिया फाइल, MP3 फॉर्मेट के अंदर सेव्ड है। और साइज सबसे ज्यादा है फ्रेंड्स इसका कितना, 10.3 MB। आपके सामने मेरे स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है साइज, व्हिच इज 10.3 MB। अब करना क्या है, डेटा हाइडिंग होगा कैसे और हम किस तरीके से इसको परफॉर्म करेंगे। मैं क्या चाहता हूं, मेरा डेटा, ये जो मेरी चार फाइल्स हैं फ्रेंड्स, ये एक इस पिक के साथ या इस पिक के अंदर हिडन फॉर्मेट में सेव हो जाए, ताकि मैं मेरे डेस्कटॉप सिस्टम्स के ऊपर अगर मैं इस सारी फाइल्स को या इस तरीके के मेरे डेटा को छुपा कर या हाइड करके सेव करना चाहता हूं, तो यूजुअली हम लोग पासवर्ड और लॉक्स तो लगाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ द डेटा शुड बी हिडन, क्योंकि हिडन आइटम्स के थ्रू भी कहीं ना कहीं लोग एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर इस तरीके का फॉर्म होगा कि किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या फॉर्मेट है और उसको कैसे क्रैक किया जाए, तो आज हम उस तरीके के फॉर्मेट की बात करने वाले हैं। तो हमें करना क्या है, मैं मेरी इन चारों फाइल्स को, जो कि माइट बी पॉसिबल हमारे लिए डॉक्यूमेंटेशन है और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकती है, मैं इस इमेज के अंदर हाइड करूंगा इन चारों फाइल फॉर्मेट्स को। और फिर आप चाहें तो अपने डेटा को या अपनी इस पर्टिकुलर पिक को किसी से भी शेयर कर सकते हैं, थ्रू ईमेल्स, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू एनी अदर मीडियम, और आपका इनडायरेक्टली इस इमेज के थ्रू ये चारों फाइल्स उस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या हो जाएंगी, शेयर हो जाएंगी। क्लियर फ्रेंड्स? तो स्टार्ट करते हैं।
बात करी जाए ये सबसे पहले चारों का, आप किस तरीके से इनको इस पर्टिकुलर पिक में हाइड करेंगे, ये हमें यहाँ पर सीखने के लिए मुझे मेरे कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कहा जाए जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारा विनरार, अगर बात करी जाए विनरार क्या चीज़ है, विनरार एक्चुअली हमारा वो सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे इन फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए काम में आता है, जो इनके बड़े बड़े साइजेस हैं ये फाइल्स को कंप्रेस करके वो एक छोटे फॉर्म में सेव करता है, मैं करके दिखाता हूँ। प्लस ये एक से ज्यादा फाइल्स हैं यहाँ पे तो वो इन सारी फाइल्स को एक कंबाइंड यूनिट के अंदर क्लब कर देगा। किस तरीके से होता है, मैंने चारों फाइल सेलेक्ट करी, हमने वहाँ पे राइट क्लिक किया एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरे पास में जो राइट क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टीज हैं उसमें एक प्रॉपर्टी लिखी है एड टू आर्काइव। आर्काइव मीन्स ये हमारे पास में क्या है, एक तरीके का विनरार एक्सटेंशन है जिस पर क्लिक करते के साथ ही आपके सामने ये एक विंडो या एक विजार्ड ओपन होगा जिसमें आप इन सारी फाइल्स को कंप्रेस कर रहे हैं एक किस फॉर्मेट के अंदर, या तो जिप फॉर्मेट यूज कर सकते हैं या रार फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मेट्स हमारी इन फाइल साइजेस को क्या कर देंगे फ्रेंड्स, कम कर देंगे, स्क्वीज कर देंगे और एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में कंबाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो आर्काइव का नेम है यानी कि ये जो कंबाइंड होकर जो यूनिट बनेगी उसका नाम क्या रहा है, desktop.rar, जिसको हम चेंज करते हैं एंड मैं इसका नेम मान लीजिए यहाँ पे चेंज करके यूज कर रहा हूँ hide.rar, यानी कि जो मेरी फाइल्स हैं जिनको मैं हाइड करना चाहता हूँ या हिडन रखना चाहता हूँ आउटर वर्ल्ड से, इसलिए मैंने इन पर्टिकुलर चारों फाइल्स की जो कंबाइंड यूनिट है उसका नाम क्या कहते हैं जो नेमिंग यहाँ पर दिए वो है hide.rar। ओके प्रेस करते के साथ ही आप देख सकते हैं ये कंप्रेस होना स्टार्ट हुई है, एक आर्काइव क्रिएट होना स्टार्ट हुआ एंड हमारे पास में ये क्रिएट हो चुका है हमारा एक आर्काइव एक यूनिट। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ आपके सामने है, आप देख सकते हैं मेरी चारों फाइल्स इसके अंदर मौजूद है। क्लियर फ्रेंड्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट होती है जब ये हमारे चारों डॉक्यूमेंट इसके अंदर कंप्रेस हो गए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज मुझे इस पिक के साथ इस आर्काइव को क्या करना है, कंबाइन क्लब, मुझे इस पिक के पीछे ये पूरा का पूरा जो मेरा यूनिट है इसको हाइड करना है। तो इसके लिए हमारे पास में है हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी, हम हर यूजर के कंप्यूटर स्क्रीन पे या उनके सिस्टम्स के अंदर ये चीज होती है, दैट इज पर्टिकुलरली हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। हम हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ पर ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं मेरे पास ये मेरे कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन हो गई है। क्लियर, आप इसको बड़ा कर सकते हैं मैक्सिमाइज करके या स्मॉलर वर्जन पे भी काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ एक एड्रेस फ्लैश हो रहा है, सी ड्राइव यूजर्स एचपी, एक्चुअली ये अभी तक एचपी यानी कि जो मेरा यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर कहा जाए जो यूजर अकाउंट क्रिएटेड है हम उसके अंदर है। मुझे इसी पर्टिकुलर यूजर अकाउंट में किस चीज पर आना है, मुझे डेस्कटॉप पर आना है बिकॉज ये जो सारा डेटा है ये जो मेरी सारी फाइल्स है ये फ्रेंड्स कहाँ पर सेव्ड है, ये हमारे डेस्कटॉप पर सेव्ड है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे कमांड जो प्रॉम्प्ट है उसमें टाइप करेंगे हमारी कमांड सीडी व्हिच इज चेंज डायरेक्टरी, कहां पर फ्रेंड्स हमें कहां जाना है, डेस्कटॉप, डायरेक्टली टाइप करा मैंने सीडी डेस्कटॉप, एंटर की प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं मेरे एड्रेस लोकेशन में एचपी के बाद में एक नया एड्रेस लोकेशन ऐड हो गया विच इज डेस्कटॉप। क्लियर, यानी कि अब हम हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कहां तक आ गए फ्रेंड्स, हमारे डेस्कटॉप पर आ गए। अब मुझे यहां पे एक कमांड टाइप करनी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, प्लीज आप इसको बिल्कुल गौर से और बिल्कुल ध्यान से समझे, मुझे इन दोनों को कंबाइन करना, यानी कि व्हाट आई वांट इज मैं ये जो हाइड वाला मेरा जो कंप्लीट रार यूनिट है मैं इसको हाइड करना चाहता हूं या कॉपी करना चाहता हूं किसके अंदर, फ्रेंडशिप वाले जेपीजी इमेज के अंदर। क्लियर, तो उसके लिए हमें कमांड यहां पर टाइप करने वाले हैं विच इज कॉपी स्लैश बी, सबसे पहली फाइल का नाम जिसमें मुझे कॉपी करना है इमेज, दैट इज friendship.jpg, एक्सटेंशन भी आएगा फ्रेंड्स, एक्सटेंशन भी हमें टाइप करना होगा, प्लस दूसरी फाइल जिसको मुझे इसके अंदर सेव करना है विच इज hide.rar। क्लियर फ्रेंड्स, मेरी कमांड में फिर से आपको पूरी कमांड एक्सप्लेन करता हूं, आप देख सकते हैं जो मैंने यहां पर टाइप किया दैट इज पर्टिकुलरली कॉपी स्लैश बी, यानी कि हम कॉपी कर रहे हैं एक पिक के अंदर ऐड कर रहा हूं मैं कौन सी फाइल को, hide.rar को। क्लियर, एंटर की प्रेस करके चेक करते हैं क्या आउटपुट है हमारा, वन फाइल कॉपीड, हमारा जो पर्टिकुलर hide.rar है वो फ्रेंडशिप के अंदर फ्रेंडशिप वाली इमेज के अंदर कॉपी हो चुका है। यहीं तक हम हमारा कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज करते हैं, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम हमारी इस पिक की, क्योंकि अब ये पिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज की बात करके चलते हैं, पहले हमने राइट क्लिक करा एंड प्रॉपर्टीज में गए, क्या हमारा साइज है, आप देख सकते हैं हमारी इस पिक का साइज चेंज हो चुका है, दिस इज नाउ 10.5 MBs ऑन द पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम, पहले इसका साइज सिर्फ 126 KB था बट अगर साइज की बात करी जाए साइज आपके सामने है 10.5। अगर आप सिर्फ इस तरीके से क्लिक करके साइज चेक करेंगे आपके सामने यूनिट का जो पर्टिकुलर साइजेस हैं वो भी मेरे हिसाब से शो हो जाना चाहिए, आपके सामने नया साइज स्क्रीन पर है विच इज 10.5। अब प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, डेटा इसके अंदर हिडन है या नहीं है कैसे चेक हो,
तो जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था, डेटा हिडन है, आपके सामने हमेशा ओपन होने वाली क्या है, पिक। क्लियर? तो अब हमारे डेटा को एक्सेस करने के लिए और ओपन करने के लिए पिक के पीछे से आप राइट क्लिक कीजिए एंड आपको जाना होगा ओपन विद वाले ऑप्शन के अंदर एंड यू हैव टू ओपन दिस पिक विद WinRAR और WinZip अगेन। जब आपके पास आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर होगा, ये हमारी बहुत मदद करेगा इस तरीके से कंप्रेस करने के लिए भी फाइल्स को यूनिट फॉर्म में एंड वापस से उनकी ओपनिंग और एक्सेसिबिलिटी के लिए। जैसे आप इस पर्टिकुलर पिक को WinRAR के साथ ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं आप अपनी चारों फाइल्स को यहां पे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? अगर आपको इन फाइल्स को यूज करना है, मान लीजिए मैंने चारों को सिलेक्ट करा, मैंने यहां पे इनको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफाइड फोल्डर पे क्लिक करा, मैं कहीं पर भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं जहां आप चाहें। मान लीजिए मैंने यहां पर क्लिक करा एंड मैं मान लीजिए डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करके चल रहा हूं जहां पे मैं इसको ओपन करना चाहता हूं। ये हमारा न्यू फोल्डर है जिसके अंदर अब मैं मेरी चारों फाइल्स एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। हमने ओके प्रेस करा, आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर हमारे पास में फ्रेंडशिप के अंदर जो फाइल्स हैं आप चेक कीजिएगा, ये रहा हमारा वो न्यू फोल्डर फ्रेंडशिप वाले जो फाइल डॉक्यूमेंट था उसके अंदर एंड ये रही हमारी चारों फाइल्स। क्लियर? यानी कि ये चार फाइल्स हमारे पास इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो सकती है और यूज भी हो सकती है जो कि यहाँ डेस्कटॉप पर थी। क्लियर फ्रेंड्स? फटाफट से समराइज करते हैं हमने क्या चीज यहाँ पर सीखी है। हमने पहले हमारी जितनी भी फाइल्स जिन्हें हमें हाइड करना है किसी भी एक इमेज के अंदर, उनको हमने कंबाइन करके एक सिंगल WinRAR या WinZip सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने क्या करा, उनको एक सिंगल यूनिट में कंबाइन करा जो कि एक कंप्रेस्ड यूनिट है और साइज कहीं ना कहीं स्मॉल भी करके। फिर हमने हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर एक हमारी कमांड टाइप करी विच इज copy/b, पहली वाली फाइल का नाम यानी कि हमारी पिक का नाम विच इज friendship.jpg प्लस का साइन hide.rar। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे आपके सामने जो आपकी इमेज थी उसका साइज चेंज हो जाएगा, वो इमेज अब एक तरीके की नई पिक बन जाएगी जिसके पीछे आपका डेटा हिडन है और आप इस पिक को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ थ्रू या ऑन व्हाट्सएप और थ्रू ईमेल्स और एनी अदर मीडिया। क्लियर फ्रेंड्स? अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से हम हमारे डेटा को हाइड कर सकते हैं किसी भी इमेज के अंदर, सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स।